संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न पूछा था आपसे कि जो वीडियो बनाई जाए वो किसकी बनाई जाए, अर्थ संग्रह से संबंधित बनाई जाए या न्याय सिद्धांत मुक्तावली उससे संबंधित बनाई जाए। जो वोटिंग थी वो अर्थ संग्रह की ज़्यादा थी, इसलिए आज हम अर्थ संग्रह पर ही एक वीडियो बना रहे हैं। हमने दो वीडियो इसकी शायद बना दी हैं, आपने देख भी ली होंगी। उसका अगला हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा जानते चलेंगे। अर्थ संग्रह लोकाक्ष भास्कर जी हैं, उनका है ये। भावना वगैरह हमने जान ली थी, आज हम जानेंगे इसमें प्रश्न किया गया है कि वेद क्या है, तो उसके उत्तर में सीधी व्यवस्था दी गई है। मैं उसको सीधे लिखते हुए आपको समझाते हुए चलता हूं, बात साफ होती चली जाएंगी। अपौरिषेयम् वाक्यम् वेद, इतनी सी इसमें बोल दी गई है। इसको यदि ढक लिया जाए तो क्या निकलेगा, वाक्यम वेद, यानी कि वाक्य को ही वेद कहते हैं। लेकिन यहां अपौरुषीय जो शब्द दिया है वो इसीलिए दिया है कि वाक्यम वेद कहते ही सारे दुनिया में जितने भी वाक्य हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, सभी को वेद के नाम से पुकारने लगेंगे। इसलिए यहां पर अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अर्थात कौन सा वाक्य, अपौरुषेय, ये इसमें प्रयोग किया गया। अपौरुषेय क्या होता है, अपौरुषेय का मतलब होता है जो पुरुष के द्वारा ना बनाया गया हो, इसका एक अर्थ तो ये निकलता है। और इसमें जो दिया है वो ऐसे दिया है जो किसी अन्य प्रमाणों से अर्थ प्राप्त करके कोई ग्रंथ लिखा जाता है उसको पौरुषेय बोलते हैं। इससे भिन्न जो होता है वो अपौरुषेय होता है, ये साधारण शब्दों में इनके जो शब्द दिए हैं। लेकिन मैंने जो अपना अर्थ लगाया है इसका, मैंने एक दो बार पहले ही बताने का इसमें प्रयास किया है, अपौरुषेय यानी कि कुछ चीजें पुरुषों के द्वारा रचित होती हैं। रचित जब ही होती हैं जब उसके बारे में पहले से कोई व्यक्ति जानता है। जैसे रामायण रची गई, रामायण वाल्मीकि ने रची, लेकिन रामायण को रचने से पहले राम के चरित्र को जाना गया, उसके बाद वो रचना हुई। महाभारत रचा गया, महाभारत के रचनाकार व्यास जी हैं, उसके जो कहानी है वो पूरे पहले से ज्ञात थी। जो भी हमें ज्ञात होता है या जिसके बारे में जो घटना घट चुकी होती है उसके बारे में कोई व्यक्ति बताए उसके द्वारा लिखी जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं किसी विषय को, एक ऐसे विषय को लिखूं जो किसी के द्वारा प्रमाणित न किया जा सके, ये नहीं बताया जा सके कि ये मेरे सामने ऐसा हुआ है। इसीलिए जो साधारण ग्रंथ लिखे गए उन ऋषियों को कवि पद से भी उच्चरित किया गया। इसीलिए वाल्मीकि जो थे ऋषि थे, जब उन्होंने रामायण की पहली लौकिक रचना रची तो आदि कवि वाल्मीकि कहलाए, ऋषि थे लेकिन आदि कवि के रूप में उनकी उपाधि मिल गई क्योंकि उन्होंने रचना रच दी, और काव्य को भी आदि काव्य के नाम से जाना गया। लेकिन अपौरुषेय वाक्य क्यों कहा गया है, वेद, वेदों में जितनी भी रचना है, जितनी भी ऋषि हैं, उन्होंने कभी किसी को घटित होते हुए बाहर की दुनिया में नहीं देखा। उन्होंने अपने आंतरिक व्यवस्था में चीजों को जाना, अनुभव किया, महसूस किया, फिर उसको बताने के लिए उस रचना को दृष्टिगोचर किया या उसको बताया, कैसे भी बाद में जाकर के उसको लिपिबद्ध किया गया। ऐसा ही यहां इन्होंने भी बोला है कि ईश्वर सेश्वर मीमांसक हैं, कुछ दो प्रकार की मीमांसा है, जैसे सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन जब हम योग में आएंगे पतंजलि योग जी का, पतंजलि का जो योग है उसको सेश्वर सांख्य भी बोलते हैं। ऐसी मीमांसा और सेश्वर मीमांसा, सेश्वर मीमांसा मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता है लेकिन ईश्वर ने वेद की रचना नहीं की, ईश्वर प्रथम वक्ता है। जैसे पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी लेकिन वैयाकरण नहीं है, प्रथम वक्ता नहीं है, प्रथम वैयाकरण कौन है, शंकर। ब्रह्मा जी प्रथम वक्ता माने जाते हैं ऐन्द्र व्याकरण के, तो वक्ता लिपिबद्ध नहीं करते। ऐसे ही ऋषियों ने इनको लिपिबद्ध नहीं किया, बहुत सारी चर्चा हो जाएंगी इस अपौरुषेय में, बहुत सारी चर्चा की भी गई है।
किसी चीज को समझने में कठिन क्यों हो गया, क्योंकि एक एक शब्द को प्रमाणित करने के लिए कि आखिर यह शब्द प्रमाण क्यों लगाया, इसकी चर्चा विशद की गई है, इसलिए वो बहुत लंबा विषय हो जाता है। तो हमें याद रखना है अपौरुषेय वाक्य को ही वेद कहा गया है। जब भी कोई पूछा जाए कि वेद क्या है मीमांसा के अनुसार, तो अपौरुषेयम वाक्यम वेदा सीधा। फिर बोला गया है साचा विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थ वाद भेदात पंचविधा, मतलब और वह जो वाक्य हैं और जो वेद है, वेद की जो वाक्य हैं, वाक्य को मिलकर के वेद बना, तो वेदों के जो वाक्य हैं वो कितने भागों में बांटा गया है, वो पांच भाग हैं इसके। विधि, एक विधि भाग है विधि वाक्य, दूसरा है मंत्र वाक्य, तीसरा है नामधेय, चौथा है निषेध वाक्य और पांच में है अर्थवाद। इन पांचों की व्याख्या अर्थ संग्रह में की गई है, ये मैंने पहले भी बताया था और फिर आप जानते चलिए, इन पांचों वाक्यों की व्याख्या पूरे मीमांसा दर्शन में की गई है। और पूरे मीमांसा दर्शन में कुछ भी नहीं है, इन वाक्यों को सिद्ध किया गया कि विधि क्या है, मंत्र क्या है, नामधेय क्या है, निषेध क्या है, अर्थवाद क्या है, इसकी पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द होंगी। और विशेष रूप से जो विधि है उसका 70% भाग अर्थ संग्रह का विधि को समझाने में ही चला गया है, क्योंकि विधि के तीन चार हिस्से किए जाते हैं, तीन वर्गीकरण किए जाते हैं, फिर उन वर्गीकरण के हिस्से चलते चले जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। तो हम कम से कम पांच से छह जो वीडियो आएंगे वो विधि से संबंधित ही आएंगे, फिर एक 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 वीडियो में सब समाप्त हो जाएंगे, इसमें फिर कुछ नहीं बचता। विधि को समझ लिया, उसी के आधार मान करके सारी चर्चा चली जाए। विधि में भी आज जो वीडियो बनाई जा रही है, अगर आपने वो ढंग से समझ ली तो आगे की जो विधि के वर्गीकरण होंगे वो बहुत सरल होते चले जाएंगे। प्रथम चीजें बहुत कठिन होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने इसलिए प्रत्येक दर्शनों पर दो दो वीडियो लगभग बना दी हैं, क्योंकि प्रथम वीडियो अगर आपको दो वीडियो आपको समझ में आ गई, फिर दर्शनों में रटने से सिवा, कंठस्थ करने के सिवा कुछ बचता नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलें, विधि क्या है, विधि वाक्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी बताया गया है कि अलौकिक विषयों को प्रकाशित करने वाले जो वाक्य हैं, कुछ विषय हैं लेकिन अलौकिक हैं, लौकिक नहीं है, उनको प्रकाशित करने वाले जो वेदों में वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को विधि वाक्य के नाम से जाना जाता है। मंत्र क्या है, मंत्र वाक्य के बारे में बोला गया है कि जो यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं उसमें कुछ सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं, तो उन सामग्रियों को स्मरण करने के लिए, कितनी सामग्री को हम स्मरण करेंगे, इसलिए कुछ मंत्रों के द्वारा उन सामग्री को स्मरण कर लिया जाता है और उन सामग्री को उन यज्ञों में प्रयोग किया जाता है। तो सामग्री का स्मरणार्थ जो वाक्य प्रयोग किए गए वो मंत्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जब मंत्र जानते होंगे आप तो ये भी जानते होंगे कि जब मंत्र चढ़ाया जाता है, पुंगी फलामी वगैरह जो भी चढ़ाए जाते हैं, नैवेद्यम समर्प्यामी, बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं, तो वो सारे मंत्रों में वो सामग्रियों का ही प्रयोग किया जाता है। देवताओं का भी इसमें चर्चा की गई है। नामधेय क्या है, किसी याग के नाम को ही नामधेय बोला जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, परंतु जब याग विशिष्ट के लिए वो अर्थ नाम प्रयोग किया जाएगा तो उसका नाम नामधेय हो जाएगा। अब वो ये था शायद आपकी समझ में ना आया हो, जब हम उसमें चर्चा करेंगे नामधेय में तो उसको और विस्तृत में समझाने का प्रयास करूंगा। निषेध क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति जब किसी कार्य में संलग्न होता है तो अनर्थकारी वो कार्य न कर बैठे, अनर्थकारी क्रिया से बचाने हेतु जो वाक्यों का प्रयोग किया गया वो निषेध वाक्यों के अंतर्गत रखे गए। अर्थवाद दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो प्रशंसा के रूप में, दूसरा निंदक वाक्य, प्रशंसा वाक्य और निंदक वाक्य। जब कोई विधेय कार्य को कर्म को करता है तो वो प्रशंसा वाक्य के रूप में जो प्रयोग होते हैं वो भी अर्थवाद है, यदि कोई निषेध कर्म को करते हैं तो निषेध निंदक
वाक्य उसमें प्रयोग किए जाते हैं तो उसके लिए निंदक अर्थवाद के रूप में जाना जाता है। तो प्रशंसा वाक्य और निंदक वाक्य दोनों ही अर्थवाद के अंतर्गत रखे गए हैं। बहुत छोटी सी चर्चा की है, जब हम विस्तृत में जाएंगे इनके में तब और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम थोड़ा सा विधि पर चलते हैं, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। विधि के जो लोगाक्षरी हैं उन्होंने तीन वर्गीकरण किए हैं, ठीक है, और इसी उलझाव के चक्कर में ये हमको कभी याद नहीं हो पाता, विधि भूल भूल जाते हैं कौन सा किस में प्रयोग है। तो आज हम प्रथम विधि को लेंगे, यानी कि प्रथम वर्गीकरण आज प्रयोग करेंगे। प्रथम वर्गीकरण को प्रयोग करेंगे जिससे कि आपको यदि यह समझ में आ गया प्रथम वर्गीकरण, फिर आगे की जितनी भी बातें हैं वो आपको सही समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अब मिटा दूं, यहां तक हम आपको समझ गए हैं, केवल विधि को रखेंगे, बाकी पांच और हटा देते हैं। प्रथम वर्गीकरण से आज शुरू करेंगे और विस्तृत में जाएंगे, ठीक है। आशा कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम विधि को लेते हैं, विधि वाक्य या भाग जो भी रखना चाहें आप, प्रथम वर्गीकरण, ठीक है। प्रथम वर्गीकरण में तीन हिस्से किए गए हैं। प्रथम हिस्सा है विधि, इसको विधि प्रधान मानिए या मुख्य मानिए, प्रधान या मुख्य। दूसरा जो भाग है इसी में प्रथम वर्गीकरण में वो है गुण विधि, और तीसरा है गुण विशिष्ट विधि, ठीक है। इन तीनों को जानेंगे, उसके बाद में ये आधार बन जाएंगे, बाद बाकी जो भी दोनों वर्गीकरण होंगे आगे वो इन्हीं को वेश बनाकर के आधार बना के सारी व्याख्याएं हो जाएंगी। फिर इसका जो 70% भाग है अगर आपने ये समझ लिया ढंग से तो फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं। पहला ही दे रखे हैं विधि में, इसमें बोला गया है तत्र अज्ञार्था ज्ञापको, अज्ञार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। वेद का जो भाग है वेद भागो विधि, लेकिन क्या है वेद का भाग, मैंने इसके बारे में बताया था, जो अज्ञात अज्ञात अर्थ ज्ञापको, अज्ञात के अर्थ को जनाने वाला या अज्ञात का अर्थ है उसको प्रकाशित करने वाला वेद का जो भाग है उसका नाम विधि है। सीधी परिभाषा है, बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अज्ञात है कोई विषय उसको प्रकाशित करने वाला या उसको प्रकाशित करे वह भाग, अज्ञात विषय को जो प्रकाशित करे वह भाग विधि के नाम से जाना जाता है। वेद का वह भाग या वह वाक्य, याद रखना भाग क्या है, वेद का भाग यानी वाक्य से वेद बना, तो वेदों को पांच वाक्यों को मिलकर के वेद बना है, याद रखना है। और पांच वाक्य ये हैं, इनके पांचों को जब जोड़ लिया जाता है उसी का नाम वेद है। तो वेद का जो हिस्सा है विधि वह अज्ञात के जनाने वाला है, अज्ञात विषय को ज्ञात कराने वाला वाक्य ही विधि के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ये जो शब्द है वो सायण के, जब हमने वेद की वैदिक साहित्य का इतिहास अध्ययन किया है थोड़ा सा, अगर समय हो तो उसको जरूर देखें, तो उसमें वेद शब्द को बताने का मैंने बहुत प्रयास किया है कि वेद है क्या, या दूसरी तरीके से वेद समझा रहे हैं, वेद है क्या,
वहां दूसरी तरह समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, तो उनकी परिभाषा और इस विधि की परिभाषा लगभग एक जैसी बैठती है। सायणाचार्य ने ही इसमें बोला था, याद हो आपको, अगर देखा हो आपने तो, इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार्य और लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदति सा वेदा, अर्थात इष्ट प्राप्ति का अनिष्ट के परिहार, अनिष्ट के जो अनिष्ट होने वाला है उसको हटाने का जो उपाय बता दे, अलौकिक उपाय जो बताए ग्रंथ, वह वेद है। तो अलौकिक उपाय तो यही तो बता रहे हैं, यही तो बात हो रही है, अज्ञात या अलौकिक। इसीलिए जो विधि है वो वेद का 70% भाग ले जाता है एक तरह से मान के चलिए, बाद बाकी तो ये फिर 30% में आ जाते हैं चारों। ये मैंने वेद की परिभाषा सायन के अनुसार बताई थी, वहां इसका उचित नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब बात आती है, इसके एक उदाहरण दे रखा है, अग्नि होत्र जुहियात स्वर्ग कामा। स्वर्ग की कामना करने वाले अग्निहोत्र को की भावना करें, ये ऐसे में माना गया। स्वर्ग जो है अज्ञात है, यहां भाई बताया कि अज्ञात ज्ञापक हो, अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग कामा गलत लग गया है, ये बड़ी गलतियां होती हैं इन चीजों में। स्वर्ग कामा, ठीक है। अब स्वर्ग कामा, स्वर्ग की जो कामना, स्वर्ग क्या है ये अज्ञात है, किसी से प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि स्वर्ग ये है। वेदांत और सांख्य में हम जब अध्ययन कर रहे हैं थोड़ा सा, तो मैंने सांख्य में भी स्वर्ग के बारे में बताने का प्रयास किया है कि स्वर्ग है क्या, इसके बारे में उसमें कहीं नहीं दिया है। जब हम योग दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन बहुत जल्दी समझाने वाला हूं, हो सकता है कि इस हफ्ते के बाद आपको थोड़ा सा उसके एक दो वीडियो मिल जाए और बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा उसको मैं, तो स्वर्ग की परिभाषा उसमें भी थोड़ी सी दी है। क्यों दी है? क्योंकि वहां ईश्वर की भी परिभाषा दी है, तो ऐसे करके थोड़ा सा उसमें स्वर्ग में चले जाते हैं वहां, तो वहां बताने का प्रयास करेंगे। तो स्वर्ग क्या है इसके बारे में अज्ञात है, किसी को कुछ नहीं पता, वास्तविकता तो ये है, लेकिन देने का यहां पर कुछ लोगों ने प्रयास किया है। उसकी, उसको जनाने वाला, उसको ज्ञात कराने वाला, अर्थात स्वर्ग के प्राप्त नहीं है हमको, ज्ञात है, लेकिन उसको अग्निहोत्र जो है, अग्निहोत्र करे तो स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। इस तरह से हमें ये जो वाक्य है वो कौन सा विधि के अंतर्गत आएगा, अर्थात इसको प्रधान विधि के अंतर्गत मानना, मुख्य विधि के अंतर्गत। इसमें इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, अग्नि होमेन अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत। मतलब अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग की भावना करें, ये इसका बौद्धिक अर्थ है। जो अर्थ निकलेगा बाकी का, इसका जो बाकी का अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा, अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग की भावना करें। तो विधि आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा है गुण विधि, इसको देख लेते हैं। समझने की बात है, किसी में कोई ज्यादा समस्या नहीं है। दूसरी वाली परिभाषा है गुण विधि, इसमें बोला गया है तत्र कर्म मानं तरेण प्राप्तम। इसलिए मैं बोलता चला जाता हूँ, थोड़ा सा छोटा लिख पाता हूँ, भूल जाता हूँ, बड़ा लिखने के लिए आदत नहीं है। तत्र कर्म मानं तरेण प्राप्तम यत्र तत्र
पेशेन गुणमात्रम विद्यते। गुण विधि के अंतर्गत ये बोला जा रहा है कि यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तद उद्देश्य गुण मात्र विद्यते। मतलब जहां पर कर्म किसी अन्न के द्वारा, अन्न प्रमाणों के द्वारा प्राप्त हो, वहां उस कर्म को उद्देश्य करके गुण विधि का विधान होता है, अर्थात गुण का विधान होता है। जैसे दधना जो होती, अब यहां पर एक चीज है, हमने यहां पर जो देखा था इसका उदाहरण मैन मुख्य का, इसमें था अग्नि होत्र जुहियात स्वर्ग काम, ठीक है। यहां पर जो प्रयोग किया गया है, या ये मान के चलिए कि जो गुण विधि है, जो मुख्य विधि है, उसकी पूरक विधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया को बोध कराने के लिए जो द्रव्य और पदार्थ हैं, मुख्य क्रिया में प्रयोग होने वाले द्रव्य या पदार्थ या देवता जो हैं, उनमें प्रयोग होने वाले जो हैं, उनका ये विधान करती है ये गुण विधि, इसलिए गुण इसका नाम रख दिया है। तो दधना ज्योति, यहां बोल रहे हैं कि अग्निहोत्रम जुहियात सुर्ग कामा, यानी अग्निहोत्र जो है, अग्निहोम या होत्र, इसमें बोला गया था अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावेत। तो अग्निहोत्र होम जो है वो किससे किया जाए, इसका विधान गुण विधि करती है, गुण विधि वाक्य के द्वारा किया जाता है। तो यहां बोल रहे हैं दधना ज्योति, ज्योति जो शब्द प्रयोग किया गया वो होम के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात दधना होमम भावयेत। दधि के द्वारा होम का विधान करें, या दधि के द्वारा होम की भावना करें। तो यहां पर जो दधि शब्द है वो इस होम जो क्रिया है, वो कर्म है, उसको उद्देश्य करके ये प्रयोग किया गया। ये द्रव्य है, याद रखना है दधि क्या है, द्रव्य है। तो यहां ये जो गुण विधि है वो द्रव्य का या देवता का मुख्य क्रिया के लिए विधान करती है, ये इसमें प्रयोग किया गया। तो हमको इनको उदाहरण को याद रखना है, उदाहरण जो कि त्यों ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। यदि इसमें तुम्हारी समझ में कुछ आए, कम आए, तो एक से दो बार देखोगे तब समझ में आएगा। अगर आपके पास पुस्तक है तो उसके साथ और अध्ययन करोगे तब अच्छे समझ में आएगा। तो दधना ज्योति, जो ज्योति शब्द वो होम के लिए है, और इसमें याद रखना साध्य और साधन दो चीज होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया था, साध्य और साधन और साध्य, साध्य क्या है और साधन क्या है। साधन वह है जो साध्य को पूर्ण करे, तो साध्य साधक संबंध हो जाता है, साधन साध्य संबंध हो जाता है। इसमें भी ऐसा हुआ था, इसमें अग्निहोत्र होम और स्वर्ग, इन दोनों में साधन साध्य था। अग्निहोत्र होम साधन था और स्वर्ग साध्य था। यहां पर दधना साधन है और होम साध्य है। वहां होम क्या था, अग्निहोत्र होम साधन था, और वो यहां पर होम क्या हो गया, वो साध्य हो गया। दधना क्या है, साधन है, इसलिए साधन में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग लगता है, और साध्य जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आशा करूंगा ये दोनों चीजें आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। गुण विधि किसमें प्रयोग की जाती है, ये मुख्य विधि की पूरक विधि के रूप में भी जान सकते हैं आप। इसमें द्रव्य और देवताओं का प्रयोग किया जाता है मुख्य विधि के लिए, ये इसको उस तरह साधारण शब्दों में समझ लीजिए, इसके अर्थों में जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। चलिए एक अंतिम विधि गुण विशिष्ट देख लेते हैं।
तीसरी है गुण विशिष्ट विधि, ठीक है। इसमें बोला गया है यत्र तु उभयम् अप्राप्तम्, यत्र तु तत्र विशिष्टम् विदधत्ते। विशिष्ट विधि में सीधे इसमें ये प्रयोग किया गया है यत्र तु उभयम् प्राप्तम् तत्र विशिष्टम् विदधते। तु उभयम् अप्राप्तम्, जहां पर दोनों ही अप्राप्त हों वहां पर विशिष्ट का विधान करते हैं। दोनों ही कौन? कर्म और गुण। जैसे हमने उसमें देखा था कर्म जो था होम था और गुण जो था वो दधि था। जब दोनों को दोनों ही जिसमें अप्राप्त हों उस को प्राप्त कराने के लिए उसका विधान करने के लिए विशिष्ट विधि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे है सोमेन यजेते। अब यहां पर सोमेन यजेते से ना तो इसमें गुण कहीं दिखाई दे रहा है ना इसमें कर्म दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किससे करना चाहिए, तो यहां पर हमें कुछ ग्रहण करना पड़ता है। अब ये सोम शब्द है ये गुण को ही मान लीजिए आप इसको, लेकिन यहां पर कुछ आपने शायद अविधा लक्षण अभिजना के बारे में जानकारी ली होगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो सहसंबंध होता है यानी एक विषय का ज्ञान हमें दूसरे विषय में लागू करके ही हम उसमें विद्वान बन सकते हैं या उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो यहां पर लक्षणा का प्रयोग किया जाएगा और लक्षणा में भी उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा। जैसे उपादान लक्षणा को हमने उदाहरण देखे, हमने तो नहीं पढ़ाए हैं अभी और आने वाले समय में बहुत अगली वीडियो शायद उसी की है अविधा लक्षण व्यंजना वाले की ही काव्य प्रकाश के द्वारा। तो इसमें उपादान लक्षणा में और ये वेदांत सार में भी है लक्षणा के बारे में, तो उसमें बोलते हैं ना कि जैसे भाले जा रहे हैं तो भाले तो जा नहीं सकते, तो भाले के साथ में क्या हमें लगाना पड़ेगा क्या ग्रहण करना पड़ेगा। उपादान का मतलब होता है लेना, हमको कुछ लेना पड़ता है, तो वहां हमको भाले वाले मनुष्य यानी कि व्यक्ति लेने पड़ते हैं कि भाले वाले जा रहे हैं, भाले वाले जा रहे हैं, या लाठी जा रही है, लाठी तो जा नहीं सकती तो लाठी वाले जा रहे हैं। तो वाले जो शब्द है अर्थात उस पुरुष को हमको उपादान करना पड़ता है, मतु प्रत्यय जो लगता है यही प्रक्रिया इसमें भी लगानी पड़ेगी। तो इसमें जो प्रयोग बनेगा समवता, ये प्रयोग बनेगा ठीक है, यानी समवता यागेन इष्टम भावयेत। समवता सोम युक्त याग से स्वर्ग की कामना करें, या सोम के बारे में इस स्वर्ग की विधान करें, काम नहीं आएगा इसमें विधान नहीं आएगा। तो सोमवता जो प्रयोग किया गया है यहां पर सोम युक्त याग से, तो यहां पर दोनों चीज यहां पर सोमवता वन जो वत है वह तो प्रत्यय है, वो प्रत्यय लेना पड़ा है। इसमें कौन सा लक्षणा है इसमें ये आ जाता कभी उपादान लक्षणा के द्वारा यहां पर इसको ग्रहण करना पड़ा है तब इसका सीधा सीधा अर्थ निकला है। तो यहां पर जो था गुण था वो क्या बन गया विशिष्ट बन गया, विशिष्ट हो जाने के कारण ये विशेष प्रयोग करने के कारण इसको गुण विशिष्ट विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो गुण का विशिष्ट विशेष किया गया है यहां पर, कुछ ना कुछ अलग हटके किया गया है तब यहां पर पूरा अर्थ निकलता है सोम युक्त याग से स्वर्ग की कामना करें। इसमें जितना था मैंने भरसक प्रयास किया अपनी तरफ से,
यदि आपको एक बार में ना समझ में आए तो एक से दो बार अवश्य देखें, और अगर आपके पुस्तक हो तो उसके साथ जरूर अध्ययन करें। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसमें कहीं कोई कमी रह गई हो जिसमें लगे कि हाँ ये कमी है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। अगली वीडियो जो बनाऊं उससे पहले, क्योंकि अगली वीडियो इसी की बनेगी विधि की, तो उस विधि से पहले उसको मैं बता दूं जो हिस्सा आपके समझ में ना आया है। ये मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।